हाय एवरीवन, आप लोगों के साथ कितनी बार ऐसा होता है कि आप अपने आप को कोई टास्क असाइन करते हो कि मुझे टास्क कंप्लीट करना है, और जब भी वापस आके आप देखते हो तो वो टास्क वही का वही पड़ा होता है और आप अपनी लाइफ में मस्त बिजी होते हो, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। होता होगा आप लोगों के साथ भी, मेरे साथ भी होता है। तो इसको बोलता है प्रोक्रेस्टिनेशन, और इसके चक्कर में कभी कभी हमारा नुकसान भी हो जाता है, राइट। तो अगर आपके साथ ये ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इस प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे साइड में रख के हम अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं, अपने टाइम को कैसे इफेक्टिवली मैनेज करें ताकि हम हमारे जो गोल्स हैं वो उसको एक्टिवली अचीव कर पाए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में, और हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स जिसके हेल्प से आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो और ये देख सकते हो कि आपका टाइम कहाँ पे जा रहा है, आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो इस वीडियो में टोटल हम तीन पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है हमारा वो प्लानिंग हो कि हमें अपना टाइम मैनेजमेंट करने से पहले या फिर अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने से पहले किन किन चीज़ों को प्लान करना चाहिए। सेकेंड है हमारा एग्जीक्यूशन कि जब हम अपना काम कर रहे हैं तो उस वक्त हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन कौन से टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं उस टाइम हम अपने टास्क को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड द थर्ड इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट कि हमें अपना कैसे माइंड मेकअप करना है उस प्रोडक्टिविटी को अपनी लाइफ में लाने के लिए, अपने टाइम को मैनेज करने के लिए। तो बेसिकली हम इस वीडियो को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे और तीनों में कुछ कुछ टिप्स होंगे और टेक्निक्स होंगे जिसकी हेल्प से आप अपने ग्रोथ को, आप अपने टाइम मैनेजमेंट को 10x कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लानिंग फेज। सो इन द प्लानिंग फेज वी हैव थ्री पॉइंटर्स, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री पॉइंटर्स। सो द फर्स्ट इज सेटिंग द राइट एनवायरनमेंट, सेकेंड इज द लॉ ऑफ थ्री, एंड द थर्ड इज थिंक ऑन पेपर। सो सबसे फर्स्ट को लेते हैं और इसको समझते हैं कि बेसिकली सेटिंग द राइट एनवायरनमेंट का क्या मतलब है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट जो एनवायरनमेंट्स होते हैं, लाइक आपका बेडरूम है, आपका किचन है, या फिर आपकी ऑफिस है, वो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी रिलीज करती है। लेट्स से अगर आप बेडरूम में हो तो वहाँ पे आपको सोने का मन करेगा, अगर आप ऑफिस में हो तो वहाँ आपको सोने का मन नहीं करेगा, वहाँ पे काम वाला माहौल होता है जहाँ पे सब लोग काम करते हैं, इंगेज करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। दूसरा, अगर आप किचन में जाते हो तो वहाँ पे आपको कुछ खाने का मन करेगा क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है किचन का। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट जो होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी रिलीज करते हैं। तो आपको बेसिकली इस स्टेज पे क्या करना है कि सबसे पहले आपको आपका जो भी काम है, लेट्स से आपको पढ़ाई करनी है, फिर आपको अपना वर्क करना है ऑफिस का, या फिर कुछ भी हो सकता है, उसके लिए राइट एनवायरनमेंट सेटअप करो कि ठीक है मेरा ये बेडरूम है, मैं यहाँ पे खाना नहीं खाऊंगा, खाना मैं डाइनिंग टेबल पे खाऊंगा, मुझे पढ़ाई करनी है मैं अपने स्टडी टेबल पे करूंगा, मुझे कोई बुक्स पढ़नी है मैं अपने लाइब्रेरी में जाके पढ़ूंगा। तो इस तरीके से आप अपने डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट सेटअप कर सकते हो, और ये काफ़ी हेल्प करता है आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में। अब जो हमारा सेकेंड और थर्ड पॉइंटर है इसको हम साथ में डिस्कस करने वाले हैं। द लॉ ऑफ थ्री ये बोलता है कि बेसिकली अगर आपको कोई बड़ा गोल है जिसको हम भाग गोल बोलते हैं, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, बिग हैडी ऑडेसियस गोल। तो बेसिकली आपका जो भी बड़ा गोल है, लेट्स से अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, या फिर आपको कोई अच्छा जॉब लेना है, या फिर कुछ स्टार्टअप करना है, जो भी गोल है उसके जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं, तो ये लॉ बोलता है कि आपको उस गोल के टॉप थ्री काम जो है दिन में उसको आपको टेक ऑन करना है। लेट्स से अगर मुझे यूट्यूब वीडियो बनानी है तो YouTube वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए कि मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करूँ, तो वो मेरा एक फर्स्ट टास्क हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है कि वीडियो रिकॉर्ड करना होगा मुझे, तो वो सेकंड टास्क हो सकता है। तो ऐसे ही ये लॉ बोलता है कि आप टॉप थ्री टास्क जो है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको टेक ऑन करो और दूसरे दिन उसको सबसे पहले खत्म करने का कोशिश करो। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये बोलता है थिंक ऑन पेपर, जो भी आपको टास्क करने हैं, जो भी आपके आइडियाज हैं आपके माइंड में, वो आप पेन पेपर का यूज करके पेपर पे राइट डाउन करना स्टार्ट करो अपनी डायरी में। उससे क्या होता है कि आपको एक क्लैरिटी मिलती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आता है आपके माइंड में कि मुझे ये काम करना है, इतना टाइम है तो कैसे प्लान करना है। एंड द सेकेंड थिंग कि जब आप पेपर पे लिखते हो ना, तो आपका जो मेमोरी स्पेस है वो खाली होता है, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो
इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए नहीं बना है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। और थिंक ऑन द पेपर के अंदर भी हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स। सो वन ऑफ द टेक्निक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज समथिंग कॉल्ड ब्लॉकिंग टेक्निक। लेट्स से अगर आपका कल एग्जाम है और 3 घंटे का एग्जाम है, तो आप अपने कैलेंडर में टाइम ब्लॉक कर सकते हो कि 3 घंटे मुझे इस एग्जाम पे फोकस करना है और कुछ नहीं करना है। सो ये 3 घंटे का टाइम कल के लिए मेरा बुक है। तो इस तरीके से आप ब्लॉकिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हो। द सेकेंड टेक्निक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज समथिंग और प्लान एवरी डे इन एडवांस। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात करी है, डो एपिक शीट का बुक रिव्यू। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके देख सकते हो आप। काफी अच्छी बुक के बारे में हमने डिस्कस की है। और प्लान एवरीडे एडवांस का मतलब यह है कि आप जब भी सोने जाते हो तो सोने से आधे घंटे पहले आप कल के बारे में जो भी टास्क है, जैसा कि हमने सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया कि टॉप 3 टास्क, तो उन टॉप 3 टास्क को आप अपनी डायरी में लिख लेते हो कि कल सुबह उठ के मुझे ये काम पे फोकस करना है। तो ये आपको ऑर्गेनाइज होने में काफी हेल्प करता है और आपके टाइम को काफी इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प करता है। सो दिस वर ऑल अबाउट प्लानिंग, कि आप प्लान कैसे कर सकते हो आप अपने टास्क को इन ऑर्डर टू बीइंग योरसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। एंड अब हम बात करने वाले हैं एग्जीक्यूशन के बारे में, कि जब हम वो टास्क कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जीक्यूशन पार्ट। अब हम एग्जीक्यूशन पार्ट में 4 चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले। बेसिकली यू कैन से 4 टेक्निक्स हैं हमारे पास जो हम टेक ऑन कर सकते हैं अपने टास्क को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए। और जो उसमें सबसे फर्स्ट टेक्निक है दैट इज कॉल्ड ABCDE टेक्निक। ये टेक्निक जो है मैंने ईट दैट फ्रॉग बुक से ली है। वो काफी अच्छी बुक है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, तो अगर आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है, प्रोडक्टिविटी गेन करनी है, तो उस बुक को रिफर कर सकते हो। तो ABCDE टेक्निक क्या बोलती है कि आपके जितने भी टास्क है, लेट से अगर आपके टू डू लिस्ट में 10 टास्क है, तो आप उसको ना ABCDE 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ABCDE का क्या मतलब है। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट कैटेगरी होता है वो होता है ए कैटेगरी। ए कैटेगरी में बेसिकली हम उन टास्क को रखते हैं जिसका हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो लेट से अगर आपको किसी मीटिंग में जाना है, कहीं पे आपका अपॉइंटमेंट है, या फिर हमने एग्जाम्पल लिया था एग्जाम का, तो ये सारे जो टास्क है अगर आप ये नहीं करते हो तो आपके लाइफ में बहुत नुकसान हो सकता है। तो इन सारे कैटेगरीज को हम ए कैटेगरीज में पुट करते हैं। जो सेकेंड हमारा कैटेगरी है वो बी कैटेगरी है। ये कहता है कि ये शुड डू कैटेगरी है, कि आपको पता है ये काम आपको करने चाहिए, बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ए है। तो जब तक आप ए कैटेगरी के टास्क को खत्म नहीं करते हो, आप बी कैटेगरी पे नहीं जाओगे, और लाइकवाइज आप सी पे डी पे नहीं जाओगे उस जिससे पहले कि आपका पहले वाले कैटेगरीज का काम खत्म ना हो। तो बी कैटेगरीज को थोड़ा बहुत नुकसान होगा, बट वो चल सकता है। लाइक आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का रिप्लाई करना, ईमेल्स का रिप्लाई करना, ये इतना अर्जेंट नहीं होता है, तो आप इसको बाद के लिए शेड्यूल कर सकते हो। जो थर्ड वाला जो कैटेगरी होता है वो उसका कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हमारे लाइफ में नहीं होता है, बट ये अच्छा होता है करना। लाइक किसी की हेल्प करना हो गया, या फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बट ये अच्छा होता है करना। जो हमारा डी कैटेगरी है, डी डिनोट करता है डेलीगेट को, कि ऐसे काम जो की जगह कोई और पर्सन कर सकता है, तो आप उन सारे टास्क को डेलीगेट कर दो, ताकि आपका टाइम बचेगा, आपकी मेहनत बचेगी, आपकी एनर्जी बचेगी, तो उन एनर्जी को आप दूसरे टास्क पे लगा सकते हो। और जो हमारा लास्ट कैटेगरी होता है वो ई कैटेगरी होता है। ई कैटेगरी बेसिकली बोलता है कि इन सबको डिलीट कर दो, कि ये टास्क इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक हमारा रील्स देखना हो गया, या फिर इंटरनेट सर्फ करना हो गया, तो ये सारी चीजें हमारे लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और कोई एडवांटेज नहीं है हमारी लाइफ में इन चीजों का, तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये बोलती है ABCDE टेक्निक, कि जब तक आपका ए टास्क खत्म नहीं हुआ है तब तक आप बी पे नहीं जाओगे, अगर बी नहीं हुआ है तो आप सी पे नहीं जाओगे, एंड लाइकवाइज। हमारी जो सेकेंड टिप है फॉर एग्जीक्यूशन, वो है हमारा पुट प्रेशर ऑन योर सेल्फ। बेसिकली हम ह्यूमन बींग्स की ना आदत होती है बचपन से, कि जब तक कोई धक्का नहीं मारेगा पीछे से तब तक हम कोई काम करेंगे नहीं। वो अपने स्कूल टाइम में भी ऑब्जर्व किया होगा, जब तक कि पेरेंट्स से कुछ बातें नहीं सुनते थे, मारपीट नहीं पड़ती थी, तब तक हम स्कूल नहीं जाते थे, और वो होता रहता है। बट हम जब एक सर्टेन एज पे पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद हमें कोई बोलने वाला नहीं होता है,
पेरेंट्स भी बोलना छोड़ देते हैं, फैमिली वाले भी नहीं बोलते हैं, तो उस टाइम ना हमें अपना इंट्रेंसिक मोटिवेशन जो होता है, अंदर का मोटिवेशन, उसको यूज करके अपने आप को प्रेशराइज करना चाहिए कि अब तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं है, तो तुम्हें जो करना है खुद के मोटिवेशन पे करना है, तुम्हें खुद ही उठ के चलना पड़ेगा। तो ये जो सेकेंड हैबिट है वो है पुट प्रेशर ऑन योर सेल्फ, और इसके लिए आप डेडलाइन सेट कर सकते हैं। लेट से मैंने अपने लिए डेडलाइन सेट किया है कि मुझे एवरी संडे मुझे किसी भी हाल में यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करनी है, अब वो जैसे भी हो। तो वो मुझे पूरे भी प्रेशराइज करता है कि चलो कंटेंट भी क्रिएट करना है, उसको रिकॉर्ड भी करना है, उसको एडिट भी करना है, सब कुछ करना है। तो ऐसे आप अपने गोल्स के लिए आप अपने आप को प्रेशर में डाल सकते हो और डेडलाइन सेट कर सकते हो। तो ये काफी हेल्प करती है आपको इफेक्टिवली अपने टास्क को जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करने के लिए। जो हमारी थर्ड टेक्निक है फॉर एग्जीक्यूशन वो है स्लाइस एंड डाइस टेक्निक। अब स्लाइस एंड डाइस टेक्निक को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट से जब आप पिज्जा खाने जाते हो पिज्जा स्टोर पे, तो पूरा पिज्जा आप एक बार में नहीं खाते हो, राइट? आपको स्लाइस कर करके मिलता है, चार पांच पार्ट में उसको स्लाइस करके आपको दिया जाता है कि ताकि आप एक स्लाइस एक बार में खा सको बारी बारी से। तो बेसिकली हमारा जो स्लाइस एंड डाइस टेक्निक है वो भी यही बोलता है कि अगर आपके पास कोई बड़ा सा टास्क है तो आप उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दो कि चलो पहले ये काम इम्पोर्टेंट है, इसका ये पार्ट कर लेते हैं, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। तो उस तरीके से जब आप एक सीक्वेंस में करते हो ना, तो वो आपको कितना भी बड़ा से बड़ा टास्क दे दिया जाए, आप बहुत ही इजीली इफेक्टिवली उसको एग्जीक्यूट कर पाते हो। तो ये बोलता है हमारा स्लाइस एंड डाइस टेक्निक। इससे रिलेटेड जो हमारी फोर्थ टेक्निक है वो है, बेसिकली ये टेक्निक नहीं है, ये एक टिप है, सिंगल हैंडल एवरी टास्क। हम ना मल्टीटास्क करना चाहते हैं, बट रिसर्च ये शो करती है कि हमारे में से 99% लोग मल्टीटास्किंग कर ही नहीं पाते, वो उसलिए बने ही नहीं होते हैं। सिर्फ 1% लोग होते हैं जो इफेक्टिवली मल्टीटास्किंग करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मल्टीटास्किंग के पीछे भागने से अच्छा है कि आप अपने काम पे एक बार में फोकस करो और उसको खत्म करने की कोशिश करो, रेदर देन पुटिंग योर एनर्जी इन डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क एट वन टाइम। तो ये बोलता है कि मल्टीटास्किंग के जगह पे आप सिंगल टास्किंग पे फोकस करें और एक बार में एक काम पे फोकस करें। तो ये सारी बातें जो हमने की है वो एग्जीक्यूशन के बारे में थी कि कैसे हम इन टेक्निक्स का यूज करके हम अपने टास्क को, अपने प्लान को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुछ सेल्फ मैनेजमेंट टिप्स की जो हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें डिसाइड करती है कि वेदर यू विल बी सक्सेसफुल एट मैनेजिंग योर टाइम और नॉट। तो जो हमारी फर्स्ट टिप है इसमें है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हमारा हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप लाइफ में कुछ भी कितने भी बड़े से बड़े गोल सेट कर लो, कितना भी मतलब दौड़ भाग कर लो, अगर आपका हेल्थ सही नहीं है तो सब कुछ वेस्ट है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप टाइम मैनेजमेंट की बात करते हो तो और प्रोडक्टिविटी की बात करते हो, तो उसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले जो करता है वो आपकी इनर्जी लेवल करती है, और इनर्जी लेवल को हाई रखने के लिए आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। सो यू मे टेक एक्सरसाइज, यू मे डू योगा, वट एवर यू लाइक, बट अपने आप को हेल्दी रखो। ये फर्स्ट टेक्निक है। सेकेंड जो है वो है ऑर्गेनाइज योर सेल्फ टॉक। हमने इसे पिछले वीडियो में बात की थी कि कैसे हमारा जो सेल्फ टॉक है, जो हम अपने आप से बातें करते हैं कभी कभी, वो कैसे हमारा एक्शन डिसाइड करती है और कैसे वो एक्शन जो है हमारा वो सेल्फ वर्थ और हमारा ग्रोथ डिसाइड करती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी बातें आप आपसे करते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता रहता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उससे रिलेट करने लगता है और वो उसी वे में एक्ट करने लगता है, आपसे एक्शन करवाने लगता है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि आपको अपने बारे में पॉजिटिव बातें करनी है, अपने आप से पॉजिटिव बातें करनी है, ग्रोथ ओरिएंटेड बातें करनी है। और जो थर्ड टेक्निक टिप है वो बेसिकली है यूज टेक्नोलॉजी वाइजली। वी नो कि टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही है और ये हमें टाइम मैनेजमेंट में काफी हेल्प भी कर सकती है और हमारा टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम भी कर सकती है। आपने देखा होगा अगर अगर आपने रील वगैरह चलाते हो या फिर यूट्यूब वगैरह देखते हो तो आपको पता भी नहीं चलता है कि कितना टाइम आपका जा रहा है। अगर आपको ये देखना है कि आपका कितना टाइम आपके डिजिटल डिवाइसेस पे जा रहे हैं, तो आपके फोन में सेटिंग होती है, वहां पे स्क्रीन टाइम जाके देख सकते हो कितना है, एंड आई होप कि वो जितना कम से कम हो वो उतना अच्छा है। तो ये आप कर सकते हो। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कैलेंडर वगैरह के बारे में, तो वो आप मैनेज कर सकते हो। बहुत सारे योगा करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए एप्स वगैरह आते हैं, आपके डाइट वगैरह को प्लान करने के लिए वो सब आप यूज कर सकते हो।
तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हो। ये आपको हेल्प भी कर सकती है और आपको नीचे भी गिरा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज करो। यूज करना गलत बात नहीं है, बट उसको एक्सेसिवली यूज करना वो गलत बात है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। और एंड आई होप कि आपकी जो टाइम मैनेजमेंट की जर्नी है या फिर जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो 10x जरूर होंगी इन टिप्स को और टेक्निक्स को यूज करोगे तो। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। अगर ऐसा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको आप अपनी लाइफ में ग्रो होते हुए देखना चाहते हो, जो प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम को फेस करते हैं और टाइम को इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।